हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, हमारे पास यहाँ पे 24 इंच का एक एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया है गाइस। तो ये एलईडी टीवी का जो है नाम है गाइस, सैमसोनिक नाम है और ये चाइना कंपनी का एलईडी टीवी है। उसका जो मॉडल नंबर है ISR2600 कुछ इस तरीके से इसका मॉडल नंबर है गाइस। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे जो है एलईडी टीवी है, इसमें जो प्रॉब्लम है मैं इसे टर्न करके मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से प्रॉब्लम है। तो देखिए गाइस, जैसे कि यहाँ पे जो है इसका जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे टैप करता हूँ फिर भी कुछ नहीं आता है, बैकलाइट नहीं है और यहाँ पे जो है रेड लाइट स्टैंड बाय आ रहा है गाइस। इस तरीके से प्रॉब्लम है गाइस। तो गाइस, आज इसे हम रिपेयर करने वाले गाइस। तो गाइस, वीडियो पूरा देखिए और गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए गाइस। आइए गाइस, शुरू करते हैं इसे रिपेयर करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ पर सबसे पहले। तो इसे देखिए, यहाँ पे मैं फिर से टर्न कर लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइज, अब इसके जो बैक है, जो स्क्रू हम मैंने निकाल दिया है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से कैप निकल चुका है तो इस तरीके से हमें निकाल देना है यहाँ पे। तो देखिए गाइस, जैसे कि यहाँ पे जो है हमारा जो है बोर्ड खुल चुका है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा पैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे पैनल के एक LVDS कनेक्शन है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पैनल है गाइस। तो इसे मैं फिर से कनेक्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है गाइस, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम पैनल की वजह से तो नहीं हो रहा है, हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैनल की वजह से तो नहीं हो रहा है, हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले पैनल डिसकनेक्ट करके इसे ऑन करेंगे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगा और निकाल के मैं फिर से पावर लगा के देखूंगा। तो ठीक है गाइस, तो जैसे कि यहाँ पे जो है प्रॉब्लम आ रहा है ये बोर्ड में है, तो यहाँ पे जो पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनल ओके है गाइस, ठीक है। तो गाइस, इसमें हम तो गाइस अब इसे खोलेंगे गाइस, इसे विजुअली चेक करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है। तो इस बोर्ड को हम निकाल देंगे। तो देखिए गाइस, इस तरीके से गाइस यहाँ पे हमारा बोर्ड निकल चुका है। यहाँ पे बैक लाइट की निकाल देता हूँ और यहाँ पे पावर का भी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे विजुअली चेक करने पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे गाइस, यहाँ पे जो है मेन कैपेसिटर यहाँ पे फूल चुका है। तो ये प्रॉब्लम आ चुका है गाइस, ठीक है। तो ये खराब हो चुका है। तो गाइस, इसे हम रिप्लेस करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस, दूसरे बोर्ड से मैंने ये निकाल दिया है गाइस यहाँ पे। तो गाइज, ये 470-25 का कैपेसिटर गाइज, तो हम इसमें लगाने वाले हैं। तो गाइज, ये डिफेक्ट कैपेसिटर हो चुका था, तो ये कैपेसिटर ख़राब हो चुका। तो गाइज, हमने इसे रिप्लेस किया है यहाँ पे। तो इसका जो नंबर है 470-25 का ही कैपेसिटर है गाइज, ठीक है। तो गाइज, अब इसे ऑन करके देखते हैं ये चलता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब गाइज यहाँ पे जो है हमने बोर्ड लगाया है, यहाँ पे हमने कैपेसिटर चेंज किया है गाइज। यहाँ पे जो कैपेसिटर डिफेक्ट हो चुका है, तो उसी नंबर का गाइज यहाँ पे हमने कैपेसिटर लगाया है गाइज। तो गाइज, अब इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि ये रेड लाइट ब्लिंक होता है या नहीं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे जो है रेड लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है, तो मतलब गाइज यहाँ पे जो है सब ओके हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, हम एक बार इसे पैनल लगाएंगे, पैनल और बैकलाइट लगा के हम इसे चेक करेंगे। तो उससे पहले गाइज, इसमें स्क्रू लगा के मैं पैक कर दूंगा, पैक करके मैं इसे चेक करूंगा गाइज, ठीक है। पे हमने यहाँ पे पैनल के वायर भी लगा दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे पैनल के वायर भी कनेक्ट कर दिए हैं और गाइज यहाँ पे जो है बैकलाइट के वायर भी लगा दिए हैं गाइज। तो गाइज, अब इसे हम पावर लगाएंगे। इसे मैं एक बार टर्न कर लेता हूँ तो पिक्चर बन रहा है या नहीं वो देखेंगे। तो देखिए गाइज, इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो है हमारा जो है पिक्चर बन चुका है। तो यहाँ पे पिक्चर बन रहा है गाइज, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे AV लिख के आ रहा है। तो ठीक है गाइज, इस तरीके से गाइज यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा था गाइज, यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंकिंग का, तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कैपेसिटर जो प्रॉब्लम हुआ था गाइज, तो कैपेसिटर चेंज करके हमने इसे रिपेयर किया है गाइज, ठीक है। तो गाइज, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और गाइज, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज।